हेलो एवरीवन, माँ का घर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्वेटर पर फ्लैग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने मल्टी कलर की ऊन से बनाया है और ये बना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 85 फंदे डाले हैं। ये मैं 5-6 साल के बच्चे की बना रही हूँ। ये बॉर्डर बनाकर मैंने 2 सिलाई डाल ली है। पहले हम 61 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमने 61 फंदे बना लिए। अब हम क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे और इसके 11 फंदे बनाएंगे। ये हमने दूसरा धागा पीछे दबाते रहना है और 11 फंदे क्रीम कलर से बना लेंगे। ये हमने 11 फंदे क्रीम कलर से बना लिए। अब हम फिर से पैरेट कलर से बनाएंगे। इस तरह से हमने 11 फंदे में 4 सिलाइयाँ बनानी है। इसी तरह एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, इस तरह से हम 4 सिलाई में ये 11 फंदे बनाएंगे। बाकी ऐसे ही प्लेन बनाते रहेंगे। ये हमारी 4 सिलाई बन गई। अब हम फिर से पैरेट कलर के फंदों को सीधा बनाएंगे। यहाँ तक हम इनको ऐसे ही बना लेंगे। ये हमने बना लिए। अब इसमें से हम 2 फंदे और पैरेट कलर के बना लेंगे। अब हमने इसमें 7 फंदे बनाने हैं। क्रीम कलर से हम 7 फंदे बनाएंगे। पहले हमारे 11 फंदे थे, अब हमारे 7 फंदे रह जाएंगे। हमने दोनों तरफ से पैरेट कलर के कर देंगे। अब ये हमारे 2 फंदे रह गए, इन्हें हम पैरेट कलर का कर देंगे। ये इसी तरह से 4 सिलाई में हमने अब ये 7 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, हमने 4 सिलाई बना ली। फिर से हम पैरेट कलर के फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। अब हम इसमें से 5 फंदे रखेंगे। एक फंदा हमने इधर से कम करना है, ये पैरेट कलर का कर देंगे और बीच के 5 फंदे को क्रीम बनाएंगे। और इसको हम फिर से पैरेट कलर का बना देंगे। ये हमने बीच के 5 फंदों को भी 4 सिलाई में ऐसे ही बनाना है। ये हमारी 4 सिलाई हो गई, यानी टोटल 12 रो हो गई। अब फिर से हम पैरेट कलर के फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। एक फंदा हमने उसमें से पैरेट कर लिया। अब हम 2 फंदे मेहरूम कलर से बनाएंगे और ये इन 2 फंदों को भी पैरेट कलर से बना देंगे। ये देखिए, हमने एक तरफ से एक पैरेट बना दिया, दूसरी तरफ से 2 पैरेट बना दिए, बीच के 2 फंदे मेहरूम रह गए। हम इन मेहरूम फंदों को 36 सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। बाकी दोनों तरफ पैरेट बनाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये 36 सिलाई डाल ली हैं, 18 सीधी, 18 उल्टी। अब हम यहाँ पर फ्लैग का डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम 34 फंदे पैरेट कलर से बना लेंगे। हमने 34 फंदे बना लिए। अब हम ये ग्रीन कलर की ऊन लगाएंगे। हम पैरेट कलर में
एक गांठ लगा लेंगे। और इसमें हमने ये मेहरूम कलर तक हमारे 31 फंदे हैं, इन 31 फंदों को हम ग्रीन कलर का बना लेंगे। ये हमने 31 फंदे ग्रीन कलर के बना लिए। अब इन दोनों फंदों को ऐसे ही मेहरूम कलर से बनाएंगे। अब हम दूसरा तरफ दूसरा गोला लगा लेंगे उनका, क्योंकि हमारे पास बीच में बहुत सारे फंदे हैं, इतने पे सेट पाएंगे तो सफाई नहीं आएगी। हम दूसरी तरफ से हमने दूसरा पैरेट कलर का ऊन लगा लेंगे। इस तरह से हमने ग्रीन कलर की 12 सिलाई बनानी है। ये हमने ग्रीन कलर से 12 सिलाई बना ली। अब हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। हमारे 31 फंदे ग्रीन थे, हम अब 31 को वाइट कलर का धागा लगाकर बनाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों ये फ्लैग कट डिज़ाइन, हमने सीधा उल्टा ही बनाना है। ये हमने 31 फंदे बना लिए और दो फंदों को ऐसे ही मेहरूम कलर से बनाना है। और साइडों के फंदों को ऐसे ही पैरेट कलर से बनाते रहेंगे। अब हम इसी तरह से 12 सिलाइयां और डालेंगे, 6 सीधी 6 उल्टी। ये देखिए हमने ये 12 सिलाई और डाल ली। अब हम ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। हमने वाइट धागे के ऊपर ही ऑरेंज कलर का धागा लगाना है। इन फंदों को हम ऑरेंज कलर से बना लेंगे। ये हमने 31 फंदे बना लिए, दो फंदे हमने ऐसे ही महरूम बनाते रहना है और साइडों के फंदों को पैरेट कलर से बनाएंगे। अब हम 12 सिलाई इसी तरह से ऑरेंज कलर से बनाएंगे। ये हमने 12 सिलाई ऑरेंज कलर से बना ली। अब हम ऑरेंज कलर का धागा निकाल देंगे और इनके ऊपर के फंदों को पैरेट करेंगे। ये हमने यहाँ पर काट कर पक्का कर देना है। अब ये ऑरेंज के ऊपर के जो हमारे 31 फंदे थे ये हमने सारे ग्रीन कर दिए। यहाँ पर हमारे दो महरूम फंदे थे, इनको हम 4 कर देंगे। एक इधर से महरूम करेंगे, एक पैरेट में से महरूम कर देंगे और दूसरा ग्रीन कलर का धागा निकाल देंगे। हमने दो गोले लगाए थे, उनके एक गोले को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हमने अब 4 फंदे महरूम करने हैं, बाकी फंदों को ऐसे ही पैरेट बनाएंगे। ये और रोंग साइड की सिलाई में हमने साइडों के फंदों को तो ऐसे ही पैरेट कलर से बना दिया। ये हमने मोड़े का छांट भी दे लिया। ये हमने 4 महरूम बनाए थे, फिर से हम इसमें एक पैरेट कर देंगे, बीच के दो को फिर से महरूम बनाएंगे और साइडों के फंदों को पैरेट कलर से बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लैग का डिज़ाइन बनकर तैयार है। हमने बीच में अब एक सर्कल बनाना है। ये हम किसी बटन की सहायता से या ढक्कन से निशान लगा लेंगे सर्कल का। और ये हमने बीच में ऐसे लाइनों के निशान भी बना लेंगे। अब हम इसको
ब्लैक या ब्लू धागे से इस पर काम करेंगे। हमने सुई की सहायता से काम करना है, इसको धागे को आगे करेंगे जैसे हम चेन स्टिच बनाते हैं, उस तरह से पूरे सर्कल पर काम करना है। ये धागा आगे रखेंगे और उसी फंदे में से फिर से डाल लेंगे। हम अपने निशान लगाए हुए के ऊपर ही काम करेंगे। इस पर हम सर्कल पर कढ़ाई करेंगे। धागा आगे करेंगे और उसी फंदे में से सुई डाल लेंगे। इस तरह से हमने इस पर पूरे राउंड पर इसी तरह से काम करेंगे। ये देखिए हमने पूरे राउंड पर काम कर लिया। हम अब बीच में सुई डाल के दूसरी साइड निकाल देंगे। अब फिर से बीच में डाल के फिर दूसरी साइड निकाल लेंगे। ये हमने बीच में भी लाइनों का डिज़ाइन बनाना है। ये इस तरह से हम 5-6 बार इधर से उधर, उधर से इधर, बीच में डालकर सुई फिर निकालना है। ये हम अब सुई को नीचे निकाल कर पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमारा सर्कल कितना प्यारा लग रहा है। इधर हम पीछे सुई निकाल लेंगे और इसको दूसरे धागे में से निकाल कर पक्का करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर फ्लैग का डिज़ाइन बना है। इसके लिए हमें किसी ग्राफ की आवश्यकता भी नहीं, हमने इसको ऐसे ही बड़ी आसानी से बना लिया। तो दोस्तों अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने माँ का घर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।